आबकारी पुलिस ने मारा अवैध कारखानों पर छापा, दो युवक गिरफ्तार। कासगंज जनपद के सिरपुरा थाना क्षेत्र के गांव मकथरा में आबकारी विभाग व पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध शराब के अड्डों पर बुधवार को छापेमारी की। पुलिस ने दो शराब कारोबारी दिनेश पुत्र नथु सिंह निवासी लान जनपद शाहजहांपुर एवं लक्ष्मण पुत्र राम सहाय निवासी मकथरा जनपद कासगंज के मौके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजने की कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस ने शराब के अड्डों से लहन व शराब बनाने के उपकरण को नष्ट कर दिया है। टीम की छापेमारी में अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस को अवैध शराब के अड्डों से 70 लीटर शराब बरामद किया। आबकारी अधिकारी सुदर्शन सिंह, सहायक आबकारी संयुक्त प्रवर्तन अलीगढ़ व श्याम कमल सिंह, जिला आबकारी जिलाधिकारी कासगंज के नेतृत्व में बुधवार को अवैध शराब के अड्डों पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान कई स्थानों व बस्ती के पास दर्जनों गड्ढों में छिपाकर रखे गए हजारों लीटर लहन बरामद कर नष्ट किया गया। इस कार्रवाई में अवैध शराब बनाने वालों में हड़कंप मच रहा है। आबकारी के कई बार छापेमारी कार्रवाई के बाद भी मकथरा में नदी किनारे कच्ची शराब का कारोबार फल फूल रहा है। अवैध शराब कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं। गत वर्ष थाना सिरपुरा क्षेत्र के नगला धीमर में शराब माफिया द्वारा पुलिस पर हमला और हत्या का मामला भी अभी लोगों के जहन से मिटा नहीं है। अगर इसी तरह अवैध शराब कारोबारी बेखौफ अपना कारोबार करते रहें तो इनके हौसले और बुलंद होंगे। ये सारा कारोबार काली नदी के किनारे चलता है, जहां पुलिस भी अकेले जाने से कतराती है। इस दौरान आबकारी विभाग के पटियाली आबकारी इंस्पेक्टर परमहंस तुषार कुमार, मुकेश कुमार, तुषार गौरव सहित थाना सिरपुरा के पुलिसकर्मी रहे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अवैध शराब माफियों व पुलिस के बीच छापेमारी का लुका छुपी का खेल बहुत दिनों से होता आ रहा है, लेकिन पुलिस व आबकारी विभाग अवैध शराब निर्माण व बिक्री कर रहे हैं। माफियाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है, जिससे क्षेत्र में अवैध शराब सहित अन्य मादक पदार्थों की बिक्री तेजी से हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, कासगंज, समाचार 24। कुछ बताएंगे? आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार उप आबकारी आयुक्त अलीगढ़ मंडल के निर्देश पर आज अलीगढ़ मंडल की प्रवर्तन टीम और जनपद कासगंज के जिला आबकारी अधिकारी एवं वहां के आबकारी निरीक्षकगण, एटा के आबकारी निरीक्षकगण और थाना मकतरा के स्थानीय पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाते हुए नगला सिताबी, नगला दौली प्रातः दबिश दी गई। अभी सायंकाल ग्राम मकथरा थाना सिरपुरा में और नदी के किनारे ग्राम मकथरा के अवैध शराब के विरुद्ध दबिश करते हुए करीब 80 लीटर शराब पकड़ी गई है और करीब 1500 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया है। दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक लक्ष्मण और दूसरा दिनेश है। ये ग्राम मकथरा के निवासी हैं। तीन अभियुक्तों का चालान नगला सिताबी में किया गया है। दो भट्टियाँ पकड़ी गई हैं बनाते हुए, जिसको नष्ट किया गया है। मौके पर भारी उपकरण नष्ट किया गया है और अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार आबकारी अधिनियम और आईपीसी के अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है और ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। कोई अवैध शराब बनाते हुए बेचते हुए मिलेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा।